वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादा भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वंदे गुरु श्री चरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर्द्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यः स्म मूढगतयोऽपि हरिण्य एता या नंदनंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरिपितम सह कृष्ण सारः पूजाम ददुर विरिचताम प्रणयावलोकः हे सखियों वन में विचरण करने वाली हिरणियां तिर्यग जाति की विवेकहीन होते हुए भी धन्य अति धन्य हैं वे श्री कृष्ण को
वेणु वो श्री कृष्ण का वेणुनाद सुनते ही कृष्ण सार अर्थात मृगों के साथ श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर विचित्र वन्य वेशभूषा से भूषित श्री नंद नंदन के प्रति सप्रेम दृष्टिपात रूपी उपचार अर्पण कर उनकी पूजा किया करती हैं। तो हम कुछ समय से श्रीमद् भागवतम में वर्णित बहुत ही सुंदर श्री श्री वेणु गीत पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर समस्त गोपियाँ जो कि पूर्व राग में स्थित हैं, पूर्व राग में स्थित हैं अर्थात जो श्याम सुंदर की ही आह्लादनी शक्तियाँ हैं, उनकी ही नित्य कांताएँ हैं, किंतु रस की वैचित्री के पराकाष्ठा के आस्वादन के लिए श्याम सुंदर ने एक क्रीड़ा की है, और वो क्रीड़ा ये की है कि मैं भी नहीं जानूं और ना जाने गोपीगण, कि मैं भी ये ना जानूं कि वो मेरी नित्य शक्तियां हैं, नित्य कांताएं हैं, सदा सर्वदा से हम एक ही तत्व थे, हैं और रहेंगे। और ये जो सर्वज्ञता है, ये जो सर्वज्ञता और ये संबंध, इन दोनों को भूल करके मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि गोपियाँ पराई स्त्रियाँ हैं, पर वधुएँ हैं, कुल वधुएँ हैं, और गोपियों के अंदर ये भाव आ जाए कि श्याम सुंदर जार हैं, मतलब श्याम सुंदर हमारे पति नहीं हैं, श्याम सुंदर पर पुरुष हैं। ये भाव जब दोनों में आएगा तब जो प्रेम का आदान प्रदान होगा, तभी वो महाभाव की कक्षा तक जाएगा, तभी वो महाभाव की कक्षा तक जाएगा। इसे कहते हैं परकिया रस, परकिया रस जहाँ, परकिया भाव जहाँ, रसेर उल्लास, रस का उल्लास। तो ऐसा विचित्र भावमयी क्रीड़ा कर रहे हैं श्याम सुंदर समस्त गोपियों के साथ, जहाँ दोनों ही नहीं जानते कि दोनों का एक दूसरे से ऐसा संबंध है जैसे दूध और दूध की सफ़ेदी, जैसे मृग और मृग मद, यानी मृग के अंदर ही निहित कस्तूरी, जैसे दिया और बाती, जैसे चंदन और उसकी सुगंध, जो कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन योग माया की कृपा से, योग माया दासी जहां, योग माया को भगवान ने ये आदेश दे दिया कि आप जो है इस रस का खेला हमारे साथ खिलवाइए, समस्त गोपियों के साथ। तो इसी वृंदावन धाम में जहां आप बैठे हैं, यहां पर ये क्रीड़ा जब हुई तब तो हुई, तब उसे कहा जाता है प्रकट प्रकाशमयी क्रीड़ा। अभी जिस श्री वृंदावन धाम को आप देख रहे हैं, वह है दृश्यमान प्रकाश वृंदावन धाम का, जो कि वृंदावन जी ने कृपा करके ओढ़ लिया है। जड़त्व जैसा लगता है पर जड़त्व नहीं, उतना ही ट्रांसेंडेंटल है, उतना ही दिव्य है जितना तब था जब भगवान यहाँ प्रकट भाव में लीला कर रहे थे। और अभी भी वो लीला नित्य चल रही हैं, है ना। यहाँ होवत नित्य विहार, यहाँ नित्य विहार होता है प्रिया प्रियतम का, समस्त सखियों का। और नित्य जो विहार होता है उसे कहते हैं अप्रकट प्रकाश, वो लीला दृष्टिगोचर नहीं है। लेकिन जैसे कि ब्रह्मा जी ने श्री ब्रह्म संहिता में बताया कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेशु विलोकयन्ति, कि प्रेम एरोप्लेन मोड पे रख दीजिए। तो बताया कि जो प्रेम के तारतम्य के अनुसार
भगवान के माधुर्य जहाँ समझ आता है, वहीं उनकी लीला भी जो कि अप्रकट प्रकाश में चल रही है वो दृष्टिगोचर होती है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, बहुत बड़ी बात कह दी ब्रह्मा जी ने। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा जहाँ पर कि गोपियाँ अपने प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहती श्याम सुंदर के प्रति, किंतु प्रकट किए बगैर रह भी नहीं पाती, क्योंकि गोपियों के बारे में आपको बताया हमने कि गोपियों के अंदर और भगवान श्री कृष्ण के अंदर काम भाव नहीं है, काम नहीं है, निकुंज में काम का प्रवेश नहीं है। समस्त क्रीड़ाएँ काम जैसी दिखेंगी अवश्य, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के माथे पर चुंबन देता है तो उसमें कुछ अश्लील नहीं दिखता, भाव का फर्क है। एक जो दादी दादा वो भी अपने पोता पोती के माथे पे चुंबन देते हैं, कुछ अश्लील नहीं दिखता, भाव का फर्क है। और वहीं पर एक जो है प्रेमी अपनी प्रियतमा के माथे पर जब चुंबन देता है तो भाव का फर्क है। चीज़ एक ही है, क्रीड़ा क्रिया एक ही है, किंतु तीन में तीन भाव आ गए। तो श्याम सुंदर और प्रिया जी के जो आपसी व्यवहार में शुद्ध प्रेम है, काम का वहाँ लेश मात्र नहीं है, इसीलिए ये लीला इतनी पवित्र करने वाली है कि महाराज परीक्षित जो अब कुछ ही दिनों के मेहमान, क्योंकि काफ़ी लीला कह दी गई, नौ स्कंद बोल दिए गए, दशम स्कंद पर चल रहे हैं और नौ स्कंद बोल दिए गए, दशम 11-12 यानी कि तकरीबन 3-4 दिन और रह गए हैं महाराज परीक्षित के पास। तो ऐसे में गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, महारास, ये सब सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि ये सुनाए बगैर रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। श्याम सुंदर जी की लीलाएं जो प्रिया जी के साथ हैं, अगर उनका संकेत नहीं दिया गया तो फिर कभी भी जो जीव का मन है वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वो इन्हीं के रस को ढूंढता हुआ मारा मारा फिरता है। तो जो महाराज परीक्षित जो थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं और वहाँ पर बैठे हैं अनेक ऋषि मुनि भी, सबके हृदय में जो एक शून्य है, जो खालीपन है, जो एक अभाव है, और जो जीव मात्र के हृदय में ये अभाव है, ये अभाव जो है प्रिया प्रियतम के भाव से ही भरता है। इस अभाव को भरने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसीलिए बार बार बताया कि देखो यहाँ काम का लेश मात्र नहीं है। तो ये जो गोपियाँ हैं ये प्रकट लीला में श्याम सुंदर की इच्छा से, योग माया की इच्छा से अपनी सर्वज्ञता को भुलाकर, श्री कृष्ण अपनी सर्वज्ञता को भुलाकर, अपने ऐश्वर्य को भुलाकर बिल्कुल नर वपुतहार स्वरूप यानी नर लीला कर रहे हैं। गोप वेश नटवर, है ना, गोप वेश में सबसे सुंदर उनका रूप, जितने भी भगवत अवतार हुए हैं, कूर्मा अवतार, वामना अवतार, मत्स्य अवतार, सभी सुंदर हैं, वराह अवतार, कोई भी असुंदर नहीं है, सभी सुंदर हैं, श्री राम अवतार, लेकिन जो सर्वोच्च सुंदरता की पराकाष्ठा है वो पराकाष्ठा सिर्फ श्याम सुंदर में है, श्याम सुंदर में है। और देखिए कैसे कैसा रूप है उनका, जहाँ श्री नारायण जब अपने रूप को, उनका रूप निहारिए तो वहाँ खूब सारे सुंदर सुंदर आभूषण नज़र आते हैं, इतने सुंदर आभूषण, कानों में सुंदर सुंदर मणियों के बने हुए कुंडल, कौस्तुभहार और बाजूबंद सुंदर सुंदर, कर कमलों में अंगूठियाँ मणियों की, लेकिन श्याम सुंदर के कानों में फूलों के कुंडल, उनके चूड़ा में
जो गुंजा, जो एक छोटा सा सीड होता है जो गोवर्धन के गिरिराज में पाए जाते हैं, उनसे बने हुए हार उनके शरीर का वेष्टन करते हुए, गैरिक धातु जो यहाँ की रंग बिरंगी मिट्टियों की धातु, उनसे उनका श्रृंगार, मानो श्याम सुंदर अपने माधुर्य के समुद्र में समस्त तुच्छाती तुच्छ चीज़ों को स्वीकार करके उनकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं। वो प्रेम का देवता मानो इस भूमि पर आकर के उन सब का महत्व बढ़ा रहा है, जो कि कभी सोच नहीं सकते कि हम भगवान के चरणों में कभी चढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे सुंदर और वो सब करके, वो सब आभूषण डाल करके जो श्याम सुंदर का रूप है, और साथ में जो उनकी वेणु माधुरी है जो किसी भगवत स्वरूप में नहीं मिलती, कोई भगवत स्वरूप वेणु नहीं वादन करता, हाँ, और ऐसा वेणु, ऐसा वेणु और उसकी ऐसी ध्वनि कि आप सुन चुके हैं कि कैसी उद्धत ध्वनि है, कि उस ध्वनि को सुन कर के कोई भी स्थिर रह नहीं पाता, स्थावर जंगम का धर्म धारण कर लेते हैं, जंगम स्थावर का धर्म धारण कर लेते हैं, यानी जो स्थिर है वो चलायमान हो जाता है, पत्थर गलने लगते हैं, नदी जम जाती है, नदी जम जाती है, स्तब्ध हो जाती हैं, और जो धेनु है, जो गायें हैं और जो गाय के बच्चे हैं, अगर वो दूध पी रहे हैं, निगल नहीं पाते हैं, और गैया दोनों कान खड़े करके सिर्फ उस वेणु माधुरी को सुनना चाहती हैं, और बड़ी बड़ी जो देवियां हैं उनके वो फूल चयन करती हैं अपने देवताओं की पूजा के लिए, तो वो उनके हाथों से वो फूल गिर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्तब्ध हो जाती हैं। तो ये वेणु माधुरी और समस्त परिकरों के साथ, अपने समस्त पार्षदों के साथ जो उनकी सुंदर अनुपम प्रेम माधुरी है, उनकी चर्चा ही क्या करें, समस्त गोपियों के साथ, छोटे से लेके बड़े तक, समस्त गोपियों के साथ, समस्त गोपों के साथ, समस्त सखाओं के साथ, समस्त भक्तों के साथ जो उनकी प्रेम माधुरी और जो लीला माधुरी है, ये अन्य भगवत स्वरूप में देखने में नहीं आती, कहीं नहीं आती, कहीं नहीं आती। तो यहाँ श्याम सुंदर अगर अपने सखाओं के साथ खेलते हैं तो उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, और वो अपने कंधे पर सखाओं को चढ़ा लेते हैं, ना सखाओं को संकोच होता है और ना श्याम सुंदर को संकोच होता है। पर हम ऐसा श्री राम जी के साथ नहीं सोच सकते कि श्री राम जी जो राजकुमार हैं वो इस तरह से नगर के बच्चों के साथ खेलेंगे और क्या कोई उनके कंधे पर चढ़ेगा, नहीं। लेकिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ज़रूर सबको कृतार्थ करते हैं, सबके प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेममय जो प्यारे भगवान हैं श्री कृष्ण, उनकी रूप माधुरी की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, और इनकी रूप माधुरी का आस्वादन सिर्फ वही कर सकता है जिसके हृदय में यत किंचित प्रेम हो, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, यानी आंखें कैसी हो उसमें प्रेम का अंजन लगा हो और भक्तिमय हो। भक्ति का मतलब होता ही प्रेम भक्ति है। हम जो कर रहे हैं इस समय साधन कर रहे हैं किसे पाने के लिए, प्रेम भक्ति को पाने के लिए, ये हमारा पुरुषार्थ है। साधन हो रहा है सिर्फ प्रेम भक्ति को पाने के लिए, तो हम साधन कर रहे हैं प्रेम भक्ति को पाने के लिए, श्रवण कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपने समस्त वैष्णवों के साथ सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, ये किस लिए, कि ये जो साधन भक्ति है ये धीरे धीरे भाव भक्ति में परिवर्तित हो जाए, भगवान के लिए हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाए, बस इस एक चीज़ के लिए समस्त साधन। और ये भाव भक्ति किसी एक दिन प्रिया प्रियतम की कृपा से
श्री गौर गुरांग की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री वैष्णव की कृपा से प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाए इसी जीवन के रहते हुए। ये है हमारा साधन भजन और उसका प्रयोजन प्रयोजन। क्योंकि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः, संत कौन है, महात्मा कौन है? श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में संदेश दिया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः। ये जो महात्मा है ना पार्थ, ये सदा दैवीं प्रकृति में आश्रित हैं। ये दैवीं प्रकृति क्या है? ये जो महात्मा है ना, जो सच्चे महात्मा है ना पार्थ, ये प्रिया जी की शरण में आश्रित है, श्री राधा रानी की शरण ले रखी है, ये है दैवीं प्रकृति में आश्रितः। भगवान ने अपने मुख से कह दिया कि महात्मानस्तु माम पार्थ, मेरे जो भक्त हैं वो दैवीं प्रकृति में आश्रित हैं, यानी वो जड़ प्रकृति में आश्रित नहीं हैं, योग माया में आश्रित हैं। कितनी बड़ी बात। तो जब बोला संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो जो ये भगवान की अप्रकट लीला है, जहाँ वो गोचारण कर रहे हैं, जहाँ वो नृत्य कर रहे हैं भगवान, वो सब संत लोग प्रेम से जड़ित हृदय में देख पाते हैं। ऐसे ही जैसे मानो टेलीविज़न चल रहा है, जैसे टेलीविज़न में पिक्चर साफ आती है और हम देखते हैं कि अरे ये क्या, ये जो छाया चित्र है, वस्तुतः छाया है और छाया ही हिल रही है डुल रही है, तो जो छाया हिल रही है डुल रही है, डायलॉग बोल रही है, हम इतने कैरिड अवे हो जाते हैं उनको सुन सुन करके कि हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो तो छाया है। लेकिन साधन भक्ति करके जब कोई प्रेम भक्ति अर्जित करता है, तो वहाँ प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, यानी उसके आँखों में प्रेम भर जाता है और तभी वो भगवान के रूप को ग्रहण कर पाता है, और तभी वो श्याम सुंदर और प्रिया प्रीतम की लीलाओं के दर्शन कर पाता है, और तभी वो पूरी तरह से उनके भावों के साथ एकात्म स्थापित कर लेता है। जब तक कोई भक्त जो राधा दास्यम का राही है, वो श्री राधा रानी के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करेगा, तब तक उसे श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर का स्वरूप, निकुंज कुंज का स्वरूप, श्री वृंदावन धाम का स्वरूप समझ नहीं आएगा। छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात भी, भावों के साथ एकता स्थापित करनी, तादात्म्य स्थापित करना। जैसे कि एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे को पालती है, तो बच्चा जब तुतला के बोलता है तो बाहर वाला नहीं समझ पाता कि क्या बोल रहा है, लेकिन माँ उसे ऐसे ट्रांसलेट कर देती है कि ये बोल रहा है। तो हमने कहा नहीं, हमने तो सुना नहीं कि ये बोल रहा है, ये तो बहुत तुतला के बोल रहा था, क्या बोल रहा है? तो माँ बोलती नहीं नहीं वो ये नहीं, वो ये बोल रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि बच्चे के भावों के साथ माँ का तादात्म्य है शुरू से ही, शुरू से ही। बच्चा प्यासा है तो पता चल जाएगा, थोड़ी देर में माँ खुद ही पानी पिलाने लगेगी। बच्चा भूखा है तो पता चल जाएगा, इसे भूख लगी होगी, तुम्हें तो नहीं लगी, तो तुम्हें कैसे पता कि उसे लगी होगी? बच्चा गूंगा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, तो माँ ही बता देगी कि इसको भूख लगी है, इसे प्यास लगी है, इसे इसकी ज़रूरत है, इसे उसकी ज़रूरत है, दौड़ती रहेगी। क्यों? वो तो अलग जीवात्मा है, उसने तो अलग शरीर धारण किया है, तुम अलग जीवात्मा हो, तुम्हारा अलग शरीर है, ये कैसे हो गया? एग्जाम्पल देखिए आप, इस जड़ जगत का एग्जाम्पल है, ये कैसे हो गया कि तुम अपने बच्चे का सब समझ पाती हो? हमें तो समझ नहीं आता, हम तो यहाँ 10 दिन से रह रहे हैं, हमें तो नहीं पता चलता आपका बच्चा कब भूखा होता है। तो बोलेंगे नहीं मैं माँ हूँ ना, ये कह के छुट्टी नहीं हो जाती, मतलब मैंने इसके भावों के साथ, मैंने इसकी आत्मा के साथ अपने भाव और आत्मा को मिला रखा है, तो इसके हर कदम पर, इसकी हर चाहत पर ये क्या बोल रहा है और बोलना क्या चाहता है मुझे सब पता चल जाता है। तो जड़ जगत में, एक जड़ रिश्ते में, जिसको कि हमने अपने गर्भ में नहीं गढ़ा, वो हमारे हाथ में आया, हम पालने लग गए, देने वाला वो, बुलवाने वाला वो,
उसकी खुराक वो दिलाता है, सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन हमारा क्या रिश्ता है, क्या डेप्थ है। ठीक अगर इसी प्रकार की गहराई श्री राधा रानी के भावों को समझने में आ गई तो फिर प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई। तो हमने एक बच्चे के भावों को समझा और उसके भावों के अनुसार हम काम करते रहे तो कौन सी सिद्धि हुई? हमें भी सिद्धि मिली। कौन सी सिद्धि मिली? जगत की सिद्धि। दोबारा संसार में आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से फिर वही माँ बाप का रोल निभाना पड़ेगा, मतलब दोबारा संसार ही हाथ लगेगा, है ना। जिसमें भाव निवेशित कर दिए उसी की प्राप्ति होगी, ये सीधी सी बात है। भगवान ने बोला यम यम वापि स्मरण भावम, श्लोक में बोला गीता में, जिस भाव में तुम्हारा शरीर त्यागोगे तुम वो भाव की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए यहाँ खेल है भाव का, भाव ग्राह्य जनार्दना। यहाँ खेल उसका नहीं है, यहाँ खेल सिर्फ भाव का है। साधना हम इसलिए कर रहे हैं कि भाव अभीष्ट में स्थापित हो जाए, श्रवण हम इसलिए कर रहे हैं कि उसी भाव की कथा सुने, गोपी भाव लेना है हमें। मनुष्य जन्म है छोटा सा, उसमें भी कई सारी उम्र की सीढ़ियां पार करके चले आए, अक्ल आई नहीं, किसी ने बताया नहीं, कॉलेज स्कूल सब जगह हमें अंधकार में रखा गया, बड़ी बड़ी डिग्रियां बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ करके भी हम अंधकार में रहे, ज्ञान नहीं आया। ज्ञान माने कृष्ण से संबंधित विद्या को ही ज्ञान कहते हैं, और जिस चीज़ का श्री राधा श्याम सुंदर से संबंध नहीं उसे ही अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, ज्ञान आया नहीं, उम्र निकल गई। और अब पता चला कि समस्त साधन भक्ति को करके भाव को प्राप्त करना है, शरीर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस को बदलना है, चेतना को बदलनी है। ये चेतना भगवान में स्थापित हो जाए, भगवान में यम यम वापि स्मरण भावम, अंत में अगर शरीर का त्याग होता है तो भगवान के चरणों को याद करके ही शरीर का त्याग हो। इसीलिए बोला प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और यहाँ गोपियाँ भी यही बात कह रही हैं, गोपियों की बात इसलिए कह रहे हैं कि देखो गोपियों की कथा सुनने से ही गोपी भाव अंगीकार करेंगे। हम तो ये एक छोटे से साधक की बात कर रहे हैं, जीव कितना बड़ा साधक हो सकता है, लेकिन ये गोपियाँ हैं जो भगवान की नित्य शक्तियाँ हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, नित्य आह्लादनी शक्ति हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं इनका भाव है परम महान, इनका प्रेम है परम महान। तो इनको जो श्री कृष्ण के सुंदरता की उस माधुर्य की जो उपलब्धि होती है वो उपलब्धि हमारे लिए अचिंत है। क्या है? अचिंत है, चिंतन की सीमाओं के परे है। क्योंकि हम तो पहले साधन भक्ति करेंगे, उसमें भी बिना अपराध के साधन भक्ति हो, श्री गुरु का श्री और समस्त वैष्णवों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, तब साधन भक्ति जब भाव भक्ति में परिवर्तित होगी। और कब जाके भाव भक्ति प्रेम भक्ति में परिवर्तित होगी? श्री रूप जी ने जो है बड़े सारे चरण बीच में बताए हैं, है ना, श्रद्धा से शुरू होकर के श्रद्धा, फिर साधु संग, गुरुकरण, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भावोदय और फिर प्रेम। तो प्रेम बहुत दूर की चीज़ है, सुदूर परा है। और यहाँ गोपियाँ हैं प्रेम की, परम प्रेम की मूर्तियाँ, परम प्रेम की मूर्तियाँ हैं। इनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं, इनका प्रेम क्या है? नित्य सिद्ध प्रेम है। हमें प्रेम पाने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए साधना करनी होती है, लेकिन गोपियों को साधना की आवश्यकता नहीं है। वो कभी हरि नाम नहीं करती बैठ के कि मैं हरे कृष्ण करूं या जाके हरि कथा सुनूं, नहीं, वो सिर्फ काम करती हैं और उनका चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां, वो सब भगवान में निवेशित रहते हैं। इसीलिए कहा कि ये गोपियाँ क्या है? विदेह हैं, इनकी देह नहीं है, ये देह से रहित हैं। क्यों? क्योंकि देह का मतलब है इंद्रियां और इंद्रियों का मतलब है इंद्रियों की तुष्टि।
जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं वही तो देही हैं, वही देह है। तो ये अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं करना जानती, इन्हें आता ही नहीं, ये सिर्फ एक ही चीज़ जानती हैं, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा, श्याम सुंदर की सेवा। और इस सेवा की इतनी प्रबल आकांक्षा है इन प्रेममय गोपियों में, किंतु परकीय भाव के कारण, परकीय रस के आस्वादन को कराने के लिए श्याम सुंदर को, ये स्वतंत्र नहीं है श्याम सुंदर के पास जाने के लिए। गुरुजनों का की रोक टोक है, बाधाएं हैं, सास की, ननद की, पति की, सबकी बाधाएं हैं। आपको कई बार बताया कि इनके पति इनका स्पर्श नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इनके पति वस्तुतः हैं तो कृष्ण ही। इन सब गोपियों की शादियां करा दी थी योग माया ने, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जब श्याम सुंदर ही समस्त गोप बन गए थे, तभी समस्त गोपियों की शादी उन्हीं से हो गई थी। लेकिन फिर उस गोप स्वरूप में श्याम सुंदर भी नहीं जानते मैं श्याम सुंदर हूँ, वो जानते मैं पति हूँ इस गोपी का, और वो गोपियाँ भी नहीं जानती कि मैं जो है नित्य इनकी ही कांता हूँ, पत्नी हूँ। लेकिन तो भी संबंध नहीं है। जिस तो संबंध किससे है, किसको देखते हैं जब ये महारास में चली जाती है, तो माया, योग माया जी बड़ी चलाक हैं, माया की गोपियों को आगे कर देती हैं। माया की गोपियां असली गोपियों को नहीं देख पाती, असली गोपियां माया की गोपियों को नहीं देख पाती। जब भी श्याम सुंदर से मिलने जाना होता है, माया की गोपियां घर का काम करती नजर आती हैं मात्र, बस पति लोग प्रसन्न के काम हो रहा है। तो इस तरह बड़ा सुंदर खेल खेला है योग माया दासी जहां, योग माया जी ने। और जब वो आ जाती हैं तो दोनों एक हो जाती हैं, तो पता ही नहीं चलता कभी भी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में किसी भी गोप ने कभी भी किसी भी गोप भगवान श्री कृष्ण को कभी भी कोई उलाहना नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात, ये समस्त जितने भी गोप हैं ये कृष्ण के सुख के लिए ही ऐसा करते हैं, ताकि श्री कृष्ण को रस वैचित्र्य का आस्वादन हो। इसे समझना होगा, ये बहुत बड़ा रस है जिसकी की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, बहुत व्यापक, बहुत गूढ़ रस है। अगर हाथ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी तर जाएगी, बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आगे, बहुत आगे रस की दुनिया में खड़े हो जाओगे। और समझ में नहीं आया तब फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, तब भजन और करो, समझ आएगा, सुनते सुनते होता है। तो यहाँ गोपियाँ जो कि परम प्रेम से युक्त हैं, परम महान प्रेम से युक्त हैं, वो जब भी कृष्ण का संबंध किसी से देखती हैं तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं। अब यहाँ उन्होंने हिरणियों से संबंध देख लिया श्याम सुंदर का, कह रही हैं कि देखो ये कितनी कितनी भाग्यशालिनी हैं ये हिरणियाँ, ये कृष्ण सारी हैं। जैसे ही श्याम सुंदर की बांसुरी सुनती हैं, दूर से ही बांसुरी की आवाज़ सुनती हैं, तो तुरंत दौड़ती हैं, और इनके पीछे पीछे मृग भी दौड़ती हैं, मृग भी दौड़ते हैं और मृगियाँ भी दौड़ती हैं, दोनों हिरणियाँ और हिरण साथ साथ मिलके दौड़ते हैं और श्याम सुंदर को निहारते हैं बड़े ही मन से और तरल आँखों से। आँखों में भाव ही भाव है, जो श्याम सुंदर के रूप को देख करके इनके हृदय में भाव आ जाता है, तो उसी भाव का उपहार, उसी भाव के भावमयी आँखों से मानो वो श्याम सुंदर की आरती करती हैं समस्त हिरणियाँ। और इनके जो पति हैं कृष्ण सार, उन्होंने मानो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का सार बना रखा है, और इसीलिए उनका नाम भी धन्य है, वो भी धन्य है। तो सोचती हैं कि देखो एक तो हम हैं, है ना, हम मनुष्य जाति की हैं, गोपियों को नहीं पता कि वो भगवान की आह्लादनी शक्तियाँ हैं, इसीलिए तो रस है। अगर पता चल जाए, अगर यशोदा मैया को ये ही पता चल जाता कि ये श्याम सुंदर भगवान है, तो कभी डंडा लेके उनके पीछे नहीं भागती, अतः श्याम सुंदर कभी वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं कर सकते थे। पता किसी को किसी का नहीं चलता, किसी को किसी का नहीं पता चलता। श्याम सुंदर को ही पता चल जाए मैं भगवान हूँ, तो वो ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते कि उनके रोने को सोच सोच के कुंती जी को कहना पड़ता कि आपका ये जो रुदन है, आपसे भय भी भयभीत होता है, मगर जो आप रोए दामबंधन लीला में जिस तरह से, तो उसे देख के मैं विमोहित हो गई कि ये क्या है, आप भगवान
एक तरफ आप भगवान और दूसरी तरफ आपका रुदन मुझसे देखा नहीं गया, वो कौन सा रुदन था? तो ये नहीं कि कुंती जी कोई जो है कम बुद्धि की स्त्री है, संपूर्ण बुद्धिमती है, ज्ञानमयी है, भगवान की शुद्ध विशुद्ध परिकर हैं, पार्षद हैं, जिनके पास 5 पांडव हैं, भगवान जो है जिनके हमेशा जिनके लिए उपस्थित रहते हैं, ऐसी हैं कुंती जी। लेकिन अगर कुंती जैसी परम ज्ञानी परम भक्तिमती भी विमोहित हो गई तो फिर ये विमोह जो है या ये जो मोह है ये किसके द्वारा लाया गया है? श्याम सुंदर के द्वारा लाया गया है, अपने ऊपर भी और इन सब के ऊपर भी, गोपियों के ऊपर भी। ये मोह यही तो असली चीज़ है ना। सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञ शिरोमणि, वो अज्ञ शिरोमणि है, अज्ञ शिरोमणि बन गया। उनको नहीं पता, सर्वज्ञ शिरोमणि को ये बात नहीं पता क्या कि ये मेरी ही नित्य शक्तियाँ हैं। उन्हें ये पता ये पर्वत हुए हैं, कुलवध हुए हैं। तो बांसुरी बजाई जाती है संकेत के रूप में कि मैं यहाँ हूँ, तुम मुझसे मिलने आओ। प्रत्येक गोपी का नाम बांसुरी पर पुकारा जाता है। आहा, भगवान अपने प्रेममय भक्तों को ही तो पुकार रहे हैं। हम क्यों करते हैं साधन भक्ति? इसीलिए ना कि हम बांसुरी की उस धुन को सुन पाएं। हम क्यों करते हैं साधन भक्ति, ये भाव भक्ति, ये क्यों करना चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं? इसीलिए ना कि हम राधा श्याम सुंदर युगल सरकार के उस रूप माधुरी का अवलोकन कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। यही तो अभीष्ट है। और गोपियाँ, गोपियों के अंदर जो भाव उद्वेलित हो रहा है वो कहती हैं कि देखो मैं मनुष्य जाति की हूँ लेकिन मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं श्याम सुंदर के निकट जा पाती। प्रत्येक गोपी सोच रही है क्योंकि सिर पर गुरुजन का पहरा है, कुलवती बहुएं हैं, जब चाहे निकल नहीं सकती घर से। आज की तरह नहीं है था, आज की तरह नहीं था, है ना। अगर ब्याह कर आ गई तो गुरुजनों की आज्ञा से ही बाहर जाएगी, चाहे स्नान करने जाए, चाहे पानी लेने जाए, चाहे दही बिलोए, चाहे मथुरा जाए दही बेचने, जो कार्य होगा वो गुरुजनों की आज्ञा से होगा, उनकी जानकारी में होगा। अगर चुप चुप के गए तो बहुत बड़ा रिस्क है, सतीत्व का खोने का, आर्य धर्म खो जाएगा, पातिव्रत्य धर्म खो जाएगा, उल्टा कहेंगे, व्याभिचारिणी कहेंगे, बहुत कुछ है। देखिए सामाजिक परिस्थितियाँ इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बाधाएं, इतनी दुर्लभता, मिले ना मिले देवेर घटन, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, देव जाने भगवान जाने, मिलन हो जाता तो मन महसूस के रह रही हैं। सामने ही तो हैं श्याम सुंदर, थोड़ा दूर में बांसुरी बजा रहे हैं, तो सोच रही हैं कि ये जो मृग वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो कितने भाग्यशाली हैं, उन्हें तो कोई रोक टोक नहीं, उनके पति तो उन्हें रोकते नहीं, वो तो अपने पतियों को भी लेकर के चली जाती हैं। और देखती रहती हैं श्याम सुंदर की तरफ एक टक। तो अगर हम ये गोपी ना बनती, क्योंकि गोपी बनने का लाभ ही क्या हुआ, श्याम सुंदर से तो मिलन हुआ नहीं। अगर हम नहीं बनती ये गोपियाँ और विधाता तुम हमें अगर एक मृगी बना देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। प्रेम के आर्त नाद से भरकर, प्रेम के उच्छ्वास से भरकर गोपियों का ये क्रंदन है, गोपियों की ये इच्छा है, गोपियों के अंदर याद रखिए महाभाव है। मैंने आपको बताया, मैंने ही नहीं महाप्रभु ने भी बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, ये महाभाव मात्र परकीय रस में है, जहाँ स्वकीय रस है, जहाँ राधा श्याम सुंदर को एक विवाहित स्त्री और पुरुष के रूप में देखा जाता है, वहाँ महाभाव अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ दुर्लभता नहीं है, वहाँ बाधाएं नहीं हैं, और वहाँ बाधाओं को दूर करने की कोशिश नहीं है, तो वहाँ महाभाव भी नहीं है, इसलिए वहाँ रस की पराकाष्ठा भी नहीं है, इसलिए वहाँ जो दासियाँ हैं वो भी रस की पराकाष्ठा में नहीं हैं। रस की पराकाष्ठा ये मंजरी भाव, परकीय भाव में ये सिर्फ एक की ही देन है, श्रीमन महाप्रभु की देन। तो ये जो गोपियाँ हैं ये महाभाव के कारण ही क्या बोल रही हैं। अगर श्री राधा श्याम सुंदर सदा एक साथ रहते,
इस भूलोक में लीला करते और स्वकीय भाव की लीला होती तो कुंज बिहारी नाम नहीं होता श्याम सुंदर का, कुंज में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रिया जी तो वहीं हैं, है ना। अगर गौचारण के लिए चले भी गए तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, दुर्लभता है नहीं, गई है बहू गई है कोई बात नहीं, अपने पति के पास ही गई है, दुर्लभता कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो जहाँ समस्याएं हैं वहाँ ही प्रेम का उच्छ्वास है, तो वही अतृप्ति है कि अभी मिले हैं तो कहीं मिलने में बिछड़ ना जाएं, अभी तो मिले हैं दो मिनट के लिए मिले हैं, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई आ ना जाए, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये हालत बहुत बहुत ज़्यादा रस का उच्छ्वास है। ये महाभाव समझिए आप, इस जगत में मात्र प्रेम को ही पाया जा सकता है, प्रेम के बाद जो स्नेह है, मान है, प्रणय है, राग है, अनुराग है, भाव है, महाभाव का स्तर ये इस जगत में पाया नहीं जाता। तो बाकी जगह तो लोग भजन करके अगर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं सीधा ही स्वकीय भाव में स्वकीय रस में चले जाते हैं। हमारे यहाँ गौड़ीय वैष्णवों में गोपी गर्भ से जन्म लेना होता है एक बार, जहाँ प्रिया प्रियतम की लीला हो रही है वहाँ पर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव को अर्जित करना होता है रसिक शेखर की लीलाओं के में सहायता करते हुए। जब इतनी ऊंचाई तक उठ जाते हैं, जब महाभाव की कक्षा तक उठकर के आस्वादन होता है, तब महारास में प्रवेश होता है मंजरियों का भी, और जब वो महारास में प्रवेश करती हैं और तब जाकर के उनका अप्रकट लीला में जाके प्रवेश होता है। तो ये क्यों, अगर छोटी सी बात होती तो वैकुंठ के जो नारायण हैं अगर कोई उनका भजन करे इस समय बैठ के और प्रेम प्राप्ति हो जाए तुरंत वो वैकुंठ लोग पहुंच जाएगा, कोई खास नहीं है, उसको दोबारा कहीं भी जन्म नहीं ग्रहण करना। अगर स्वकीय भाव के कृष्ण राधा रानी के स्मरण हो, पूजा हो, अगर उसे प्रेम प्राप्ति हो गई भजन के जरिए तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, छोटी सी लीला है, छोटी सी लीला में घूमता रहेगा, है ना। महाभाव बेचारा वो जानता ही नहीं क्या है, बस उसे ये पता है राधा कृष्ण है और ये उपास्य तत्व है और प्रिया प्रियतम की लीला बड़ी अच्छी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसमें जो दुर्लभता है, जो बाधाएँ हैं और जो जो राधा रानी को जो रोका जाता है, जो टोका जाता है, जो उन पर लांछन लगाए जाते हैं, जो उनसे बचने का प्रयास करती हैं और कैसे मिलाने का प्रयास करती हैं मंजरियाँ, वो है रस। उस रस का आस्वादन मात्र मंजरी भाव के उपासकों को मुहैया कराया है एकमात्र श्री गौर हरि ने। तो उसमें होती है अतृप्ति, उस अतृप्ति में क्या बोलती हैं प्रिया जी, कहती हैं, देखिए कहती हैं श्री राधा रानी, जन्म अवधि हम रूप निहारिनो नयन न तिरुपित भैलो। ऐसा होता है, मतलब जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर और अब तक मैंने सिर्फ अनिमेश पलक को गिराए बगैर श्री कृष्ण का रूप निहारती रही, मैं निहारती रही छक छक के निहारती रही, पर लगा कि कुछ देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा। नयन न तिरुपित भैलो, इस जगत में हम किसी भी व्यक्ति को देखें, एक बार देखा, दो बार देखा, चार बार स्माइल कर देंगे, उसके बाद कहेंगे तू फिर आ गया, थोड़ी देर बाद कहेंगे बार बार आ जाते हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम खाते हैं, कितना भी अच्छा हो, फिर चलो मान लो बहुत ही सुंदर हो, कामदेव की एक सुंदरता को पराजित करने वाला कोई जड़ रूप हो, नौ छेदों वाला जिसमें से नौ छेदों में से गंदगियाँ निकल रही हैं पर हम उसे सुंदर कह रहे हैं, मान लो चलो वो आ गया बहुत सुंदर है, गंदा ही है ना, अंदर कान नाक हाथ सब जगह से गंदगी निकल रही, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, कामदेव का कंदर्प को रूप है, क्योंकि माया से मोहित आंखें हैं, आ गया, लेकिन कुछ समय बाद वो रूप परिणति को प्राप्त होने लगेगा, चेहरा ढलकने लगेगा, चमड़े लटकने लगेगी, आंखें देख नहीं पाएंगी ठीक से, बहुत कुछ होने लगेगा, और उसके बाद उसी रूप से जिसके लिए पीछे भागे कितने कुछ किए, इतनी वितृष्णा हो जाएगी कि देखने का भी मन नहीं करेगा। तो ये वो रूप, ये है वो रूप, तो ये रूप की परिणति ऐसी ही होती है। लेकिन यहाँ पर श्यामा जी क्या कह रही हैं, कह रही हैं जन्म अवधि हम रूप निहारिनु,
और नयन ना तिरपित भैलो। मेरा नयन तो तृप्ति ही नहीं हुआ, मैंने तो पूरा जन्म रूप निहारा। और तो और विधि का निंदा कर रही हैं कि हे विधि, तुमने मुझे दो ही आँखें दी। विधाता ब्रह्मा, तुमने दो ही आँखें दी। अरे कृष्ण को निहारना था मुझे तो देते कोटि आँखें, वो तो तुम्हें आया नहीं बनाना। अच्छा चलो दे दी, कोई बात नहीं, तो उसमें पलकें क्यों बना दी? पलकें जब एक सेकंड के लिए भी ऐसे होती हैं तो रूप निहारने में बाधा पड़ती है। ये मैं रूप कैसे निहारूं? पलकें हटाई क्यों नहीं? मछली को भी पलकें हटी पड़ी और हमारी पलकें बनी पड़ी हैं। मछली कोई रूप निहारने वाली अक्ल है उसकी? तो तुम्हें नहीं पता योग्य सृजन, योग्य सृजन कैसे किया जाता है? कोस रही हैं विधाता को, ब्रह्मा जी को कोस रही हैं। बताइए क्या बात है, क्या उच्छ्वास है। और कहती हैं, लाख लाख जुग हिये राख लूँ तब हिये जुड़ा नो न गैलो। लाख लाख वर्ष मैंने श्याम सुंदर को अपने हृदय में रखा तो भी मेरे हृदय की तृप्ति नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए अचिंत है कि जन्म भर हम किसी को देखते रहें और उसी को ही देखते रहें और कुछ ना देखें। प्रिया जी की यही हालत है। अंतर बाह्य जार कृष्ण स्पुरे, महाप्रभु बता रहे हैं, राधा रानी कल पिछली बार बताया था ना, यदि गौर न हुई तो तबे की हो तो केमन धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जना तो के। राधा रानी की महिमा और उनकी प्रेम रस सीमा, महाभाव और उसमें भी रूढ़ महाभाव, उस पर भी अधिरूढ़ महाभाव, ये मोदन और मादन हो जाते हैं। और फिर यही जा कर के मोदन जो है वो जा कर के मोहन महाभाव का रूप धारण कर लेता है अनंत वैचित्र्य के साथ। इन सब को जब तक नहीं समझेंगे, प्रिया जी के भावों की खबर भी नहीं होगी और हमें तो दासी होकर के उनके भावों के साथ भावों का तादाद में स्थापित करना है। एग्जाम्पल दिया ना बच्चे वाला, तो जब कोई माँ अपने बच्चे का इन एंड आउट जान लेती है कि बच्चे का ये नेचर है, तो ही तो माँ उसको हैंडल कर पाती है। तो हमें प्रिया जी की दासी होना है और प्रिया जी को जानना होगा, उनके महाभाव को जानना समझना होगा। ये अचिंत है लेकिन हो जाएगा, सुनते सुनते होगा, सुनते सुनते होगा। तो कह रही है कि लाख लाख युग, युग युग, हम युग की बात नहीं करते। हमारे यहाँ के देखो संबंध कैसे हैं, 20-25 साल तो ब्याह ही नहीं होता, और अगर हो गया तो 25 साल बाद कोई जीवन में आया, फिर पता नहीं दोनों में से किस कौन कब चला गया। उतने समय में भी हिया में नहीं रखा किसी को, क्योंकि बीच में ही बच्चे आ गए। अभी पति हृदय में था, फिर बच्चे हृदय में आ गए, है ना। फिर और भी बहुत सारा है, अर्थ संपत्ति नोट फ्रेंड्स ये सर्कल वो सर्कल सब हृदय में हैं सबके सब। राधा रानी का ऐसा नहीं है, उनका अंतर बाहर सिर्फ कृष्ण स्फुरे, अंदर भी बाहर भी सिर्फ कृष्ण की स्फूर्ति होती है, उनके अंदर और कुछ नहीं है। वो कृष्ण प्रेम की विकृति है राधा रानी, तत्व समझिए। हु इज राधा? कृष्ण प्रणय की विकृति। जैसे कि आपको एक चीनी का खिलौना बना के दे दूं, दिवाली में मिलते हैं चीनी के खिलौने, बड़े सुंदर से एक महल बना दिया, और आप बच्चा कह रहा मैं तो महल को खाऊंगा, तो सुनने वाला कहेगा पागल है महल को खाएगा, लेकिन अभी उसने पूरी बात नहीं जानी, ये महल बनाई चीनी से ही, खाने के लिए ही बना है महल। ऐसे ही प्रिया जी कृष्ण प्रेम, जब एक साकार रूप आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी यानी प्रेम शक्ति, कृष्ण प्रेम ने एक स्वरूप ले लिया, नारी का एक रूप ले लिया, वही तो है राधा। तो उसे और कुछ आता ही नहीं कृष्ण को प्रेम करने के अलावा, कृष्ण को आस्वादन कराने के अलावा। वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, भला बुरा मेरा बाहर तेरा तू कौन, कुछ नहीं जानती। एक जानती है कृष्ण, और जिसका कृष्ण से संबंध है बस उसे जानना चाहती है, भाई तूने कौन सी तपस्या की, ये हिरणी ने कौन सी तपस्या की है मुझे बताओ, मैं हिरणी बनूंगी अगले जन्म में। आ क्या भाव है, कौन बनना चाहता है? हम कहें, हम सोच सकते हैं हम पशु बनेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, भजन कर ले कम से कम मनुष्य बनेंगे, 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। ये 84 लाख योनियों में जाने को तैयार हैं अगर उनका श्री कृष्ण से संबंध है तो, अगर कृष्ण के निकट वो पहुंच सकते हैं तो हम 84 लाख योनियां हम झेलेंगे।
कितनी बड़ी बात है। तो स्व सुख की गंध ही नहीं है जहाँ, अपने सुख की गंध ही नहीं है श्री राधा रानी में, तो वो फिर और क्या कहेंगे बताओ, और तो कुछ वो कह ही नहीं सकती। तो ये हालत है उनकी। तो इसीलिए कहते हैं देखो कि बचन अमियारस अनुखन पियलू श्रुति पटे परशना भैलो, श्याम सुंदर की वाणी मैं प्रत्येक क्षण सुनती हूँ, प्रत्येक क्षण। श्याम सुंदर मधुर वाणी बोले बगैर रह नहीं सकते, प्रिया जी के कानों में सुंदर सरस वाणी बोलते रहते हैं। हर क्षण सुनती हूँ मगर लगता है कभी जैसे उन्हें सुना ही नहीं। ये कौन सी फीलिंग है? हमारे यहाँ होता है कि कोई बोलता गया पहले, हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यक्ति, हम बहुत पसंद करते हैं, कुछ दिनों बाद बोलेंगे अच्छा तो है मगर बोलता बहुत है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलता बहुत है, बोलने की बीमारी है। लेकिन प्रिया जी कहती हैं अनुखण पियलूं अमिया रस, क्या कह रही हैं, वचन अमिया रस, वचन रूपी अमृत का पान किया है। श्याम सुंदर का तो हर चीज़ अमृत है, उनके रूप माधुरी अमृत है, उनके वचन माधुरी अमृत है, मधुरम मधुरम, अमृत से मधुर कुछ होता नहीं, तो इसलिए हर चीज़ अमृत है। तो तुम्हारा बोलना मधुरम, तुम्हारा चलना मधुरम, तुम्हारी गोपी मधुरम, गाओ मधुरम, यष्टि मधुरम, सब कुछ ही तुम्हारी मधुरम है। तो तुम्हारा वचनम कितना बड़ा मधुरम है, इतना बड़ा मधुर, इतना बड़ा माधुर्य, और उसका निरंतर चरवण कर रही हैं प्रिया जी। लेकिन कह रही हैं श्रुति परशना भैलो, अभी तो कान को स्पर्श भी नहीं हुआ उनके शब्दों का, और युग युग सुना, युग युग सुना, हर युग में वो हैं मेरे साथ, मैं हूँ उनके साथ, परकिया भाव की लीला चल रही है, और हर युग में वो मेरे साथ मैं उनके साथ। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं पी रही हूँ पर लगा कि अभी तो सुना ही नहीं, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। ये क्या भाव है भाई, अचिंत है इसका चिंतन। जब तक गुरु वैष्णव की कृपा में शुद्धतम भक्ति के स्तर पर ना हो हम, तो चिंतन करना भी दुरूह है, समझ आने वाली बात है नहीं कि ये कैसे हो सकता है। बोल रहे हैं कि मैंने कई युग सुना फिर भी लग रहा है कान के अंदर गया नहीं, कान बनते क्या कोई ये बोल देगा? कह रहे नहीं, वो अमृत है, विष के लिए कान बंद होंगे, अमृत है, मेरा प्रत्येक अंग उस अमृत के प्रत्येक बूंद को समाहित करने के लिए तड़प रहा है, वो अमृत है। पर श्रुति पट भर परस न भैलो सुना नहीं। और क्या कहती है, कतो मधु जामनी रब से गवाइनु ना बुझनु कैसे कैली। कितनी कितनी रात्रि मैंने श्याम सुंदर के साथ बिताई लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि कृष्ण की प्रेम क्रीड़ा क्या है, कितना सुंदर है, मतलब सब अचिंत्य है, ये महाभाव से उत्थित रस है, ये परकिया भाव में जो महाभाव श्यामा और श्याम सुंदर दिखा रहे हैं, जो श्यामा जी के अंदर, प्रिया जी के अंदर है, जिस भाव को प्राप्त करके आश्रय जाति प्रेम के आस्वादन का लोभ जो है श्याम सुंदर में जागृत हुआ और फलतः वो गौर होके आए, यही तो देख करके ये भाई क्या बोलती हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रही हैं ये। युग युग से मुझे सुना और लगता है कान में श्रवण नहीं हुआ, और जन्म भर तुमने मुझे देखा लगता है अभी देखा ही नहीं, मन ही तृप्त नहीं हुआ, और मैं अपने लिए ऐसा नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि महाभाव की आधार सिर्फ लाडली जी हैं, लेकिन श्याम सुंदर के पास ये महाभाव नहीं है, महाभाव की वो कक्षा नहीं है, अधिरूढ़ महाभाव पर नहीं है वो, मादनाख्य महाभाव नहीं है। तो वो जब तक होगा नहीं तब तक आश्रय जाति आस्वादन होगा नहीं, विषय जाति आस्वादन रहेगा कि मैं प्रेम का विषय हूँ, ये मेरे को मेरी पूजा करते हैं, मगर मेरी पूजा करने का स्वाद क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं प्रेमास्पद हूँ तुम मुझे प्रेम करते हो पर तुम्हें मुझे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, तुम क्यों रोते हो ये मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा आस्वादन मेरे अंदर लोभ जागृत कर रहा है, मुझे जानना है मैं क्या इतना सुंदर हूँ कि तुम मुझे देखते रहते हो और कहते हो कि मैंने तो जन्म भर देखा परंतु देखा ही नहीं, ये कैसी सुंदरता है मेरी, मैं इसका आस्वादन करना चाहता हूँ।
और तुम्हारी इस प्रेम की महिमा कैसी है, तुम्हें कैसा लगता है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या करूँ? तो प्रिया जी, तुमसे उधार मांगता हूँ, तुम्हारा वर्ण और तुम्हारा महाभाव, ताकि मैं ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा रानी तुम्हारे भाव से विभावित तो हो जाऊं और मैं गौर कृष्ण बन करके मैं श्याम सुंदर का आस्वादन करूं राधा रानी के महाभाव को लेकर, क्योंकि उसी महाभाव की ज़मीन पर ही आस्वादन है, अन्यथा आस्वादन नहीं है। और इसी महाभाव के आस्वादन को नसीब कराया है श्री गौर हरि ने समस्त जीव मात्र को। बहुत क्लिष्ट बात है, मगर अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, भजन करोगे, तो ये अनुभूति के मध्य में आ जाएगा, ये अनुभव गम्य हो जाएगा। मगर एक निष्ठ होकर के भजन करने की आवश्यकता है, एक निष्ठ होकर के, और ऐसा भजन हम कर पाए। और जो यहाँ पर भाव व्यक्त कर रही हैं हमारी प्यारी प्यारी गोपियाँ, कि अगर हम ये कृष्ण सारी हो पाती, हम मृगियाँ हो पाती, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता और हम भी श्याम सुंदर को अपलक निहारती रहती, हम भी श्याम सुंदर का जो है मधुर रसपान कर पाती, रूप रसपान कर पाती, और उनके माधुर्य में हम भी डूब पाती, उनकी सेवा कर पाती। तो माधुर्य में ये इसलिए नहीं डूबना चाहती हैं क्योंकि इन्हें अपना सुख चाहिए। गोपियों में सुख का अनुसंधान नहीं है, वो बेचारी नहीं जानती कि स्वसुख क्या होता है, उन्हें कृष्ण सुख के अलावा कुछ नहीं पता। तो जाती तो क्या करती, हम अपनी आँखों से तुम्हारी आरती करती जैसे मृगियाँ कर रही हैं, हम जो है तुम्हारी सेवा करती, हम अपने प्रत्येक अंग प्रति अंग से, अपने मन से, बुद्धि से, आत्मा से तुम्हारी सेवा करती। भक्तों के लिए भी यही तो कहा नारद जी ने, क्या ऋषिकेण ऋषिकेशाम सेवनम भक्तिरुच्यते, कि अगर अपनी इंद्रियों से तुम ऋषिकेश कृष्ण की सेवा करोगे तभी ये भक्ति है। और परम महान प्रेम में स्थित परम महाभाव मई गोपियाँ जो हैं, वो अगर अपनी इंद्रियों से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं श्रृंगार रस की, तो ये एक बहुत प्यारी आकांक्षा है। और भगवान अपने भक्तों की आकांक्षा के अनुसार ही प्रतिदान किया करते हैं, और श्याम सुंदर उसी रस में प्रतिदान करना चाहते हैं गोपियों को। तो आगे क्या इच्छा है और आगे क्या बनना चाहती हैं गोपियाँ, किसका संबंध देखती हैं श्री कृष्ण के साथ, क्या लालसा उठती है उनके हृदय में, इस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, तो अगली दफ़ा हम चर्चा करेंगे। तब तक जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदी हरि हरि राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। श्री गुरु निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि।